निजात और मैं बहुत अच्छा बचपन गुजरा होगा, ये तस्वीर देखकर बता रही हूँ। लेकिन अब मैं ये पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। कहा था ना, वो जख्मी बच्चा, वो गुजरा हुआ वक्त, सब कुछ बस माजी का हिस्सा है। वैसे भी जिंदगी आसान नहीं होती। ये घर तो हमारा घर लग रहा है मुझे। क्या ये हमारा ही घर है दमीर? हाँ, हमारा घर है। मैं उस घर में बड़ा हुआ, फिर मुझे वहां से बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, इसीलिए वो घर खरीदा, इसीलिए जानना चाहा मैंने। पहले ये यादें मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी, फिर तुमने मेरे लिए उस घर का मतलब ही बदल दिया। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ दमीर। बहुत कोशिश करती हूँ तुम्हें समझने की, लेकिन नाकाम हो जाती हूँ। तुम वो शख्स थे जो मेरे राज छुपाने पर खफा हो जाते थे, और तुमने खुद के दिल में कितने राज छुपा कर रखे हुए हैं। ऐसा क्यों? वो सब राज मैंने माजी में दफन करना चाहे। हाँ, तो शायद तुम इसीलिए एलूल को पाने के लिए उसके बाप तक पहुंच गए। वो घर दोबारा खरीद लिया तुमने। तो क्या राजों को दफन करना इसे कहते हैं? हाँ सलीन, जब तक हालात का सामना ना हो इंसान खुद को मुर्दा तसव्वुर करता है। मैं तो सबका सामना करके भूल जाना चाहता था, और यही हुआ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सलीम? सलीम, क्या तुम्हें मेरे ऊपर किसी किस्म का शक है? मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। आखिर तुम मुझसे कब तक दूर रहोगी? मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ, मगर पास भी नहीं रह सकती। मुझे क्या करना चाहिए मैं खुद नहीं जानती। ठीक है, अब मैं तुमसे कोई मजीद बात नहीं करूंगा। अगर कुछ सवाल करोगी तो बस जवाब दे दूंगा, और कुछ नहीं। अब हम, अगर तुम चाहो तो चलकर डिनर कर सकते हैं। काफी वक्त हो गया है, कुछ खाया भी नहीं है हमने। भूख नहीं है मुझे, सोना चाहती हूं। ठीक है।